पुलिस ने मेरी कोई नहीं सुनी। जो मेरे गांव के लोग आए, मेरे गांव के लोगों के प्रेशर बनाया गया, मेरे परिवार के लोग उठाए गए, उन पर डंडा बाजा, फट्टा बाजा, पूरी रात फट्टा बाजा है। फिर उसके बाद मेरे पांच और ने फट्टा बजा बजा के मेरे होटल पे मुझे सुपरदारी दे के गए। एक एक लड़के की उसमें हालत ख़राब है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो पुलिस ने उल्टा ही आपके परिवार को लिया। पुलिस ने उल्टा ही हमें वो करो, पर मैंने तो एक सुनी कि योगी मोदी की वो ये पुलिस बहुत अच्छी है। मैं तो जो कहूँ भगवान या पुलिस को नाश जावे जाने, मेरा आज बेटा ले गई। स्क्रीन पर दिख रहे सफेद कुर्ता पैजामे पहने आदमी पर निगाहें जमाए रखें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में ये एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही ये सफेद कलर की जो कार आपको दिखाई दे रही है, इस पर भी अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये सफेद कुर्ता पैजामे पहने वाला आदमी इसी कार से उतरता है। एक गाड़ी आगे थोड़ी दूर जाकर रुक गई, और अब ये क्या, इस कार से एक और आदमी उतर रहा है? क्या ये इसका साथी है? और अब ये अंदर की ओर चला गया, साथ ही गाड़ी भी वहां से चली गई। आखिर इन दोनों लोगों का मकसद क्या है? इसके कुछ देर बाद ये कार वापस उसी रास्ते से आई और टर्न लेकर वहीं कुर्ता पजामे पहने वाले आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई। इस वीडियो में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये लोग किस कांड को अंजाम देने वाले हैं। और तेरी ये क्या, जो आदमी पहले अंदर गया था वो अपने साथ एक बच्चे को ला रहा है और उसे गाड़ी में बैठा लिया। साथ ही जिस आदमी ने कुर्ता पजामा पहन रखा है वो भी कार में बैठ गया, और अब ये कार यहाँ से रघु चक्कर होगी। चंद मिनटों के अंदर इन आरोपियों ने बड़े ही चालाकी से एक बच्चे की किडनैपिंग को अंजाम दे दिया। लेकिन है कौन ये बच्चा जिसका किडनैप हुआ है? जो बच्चा किडनैप हुआ है उसका नाम कुणाल है और उसकी उम्र 15 साल है। 1 मई को कुणाल यूपी के नोएडा से किडनैप हुआ था, और उसके 4 दिन बाद यानी 5 मई को इसकी डेड बॉडी बुलंदशहर की नहर से मिली। ये खबर जब कुणाल के परिवार वालों को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुणाल के पिता कृष्ण कुमार नोएडा में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। इस केस में पुलिस के पास कुणाल को ढूंढने के लिए लगभग 100 घंटे थे, लेकिन पुलिस जो हर काम अपनी मर्जी मुताबिक करती है वो कुणाल को खोजने में भी ढीली पड़ गई, जिसका नतीजा ये निकला कि कुणाल को अपनी जान से और उसके परिवार को अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने कुणाल को खोजने के लिए 10 टीमें बनाई थी, लेकिन फिर भी उसको समय से खोजने में नाकाम रही। बेटापुर थाना क्षेत्र में एक लड़के के चले जाने के विषय में घर वालों ने अवगत कराया गया, जिसमें तत्काल FIR पंजीकृत की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, CCTV कैमरा के साथ साथ सर्विलांस और टीमें लगाई गई, जिसमें 2 ACP के लेकर 5 टीमें लगी। इसमें ये तथ्य निकल के आया कि एक लड़की के साथ में वो लड़का गया था, जिसमें हमारी टीमों के द्वारा जिन लोगों पर शक जाहिर किया गया उन सब को बुला के पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ अन्य जो पहलू हैं, तथ्य हैं, उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। आज उस लड़के का शव बुलंदशहर में नहर के किनारे बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी निकल के आए हैं जिनके आधार पर शीघ्र ही घटना का अनावरण किया। आपको बता दें, किडनैपिंग की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई थी। कुणाल के परिवार का आरोप है कि समय से शिकायत किए जाने और CCTV प्राप्त होने के बावजूद पुलिस बच्चे को बचाने में नाकाम रही। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस कार में कुणाल को बैठाकर ले जाया गया उस पर नंबर प्लेट किसी बाइक का लगा था। अब फिलहाल पुलिस इस केस में आगे की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।